आज से लगभग 55,000 साल पहले हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते थे। फिर वो ग्रुप बनाकर छोटे छोटे झोपड़ियां बनाकर रहने लगे। फिर कुछ डेवलपमेंट हुआ और लकड़ी के घर बनने लगे। ऐसे ही धीरे धीरे दुनिया और आगे बढ़ी और एक दो मंजिल के घर बनने लगे। उसके बाद आलीशान महल बनने लगे, मेंशंस बनने लगे, पैलेसेस बनने लगे। और आज इंसानों ने टेक्नोलॉजी की मदद से इंजीनियरिंग को इतना विकसित कर लिया है कि बड़ी बड़ी इमारतें एक ही दिन में 3D टेक्निक से इंसान बना लेता है। अब हजारों सालों पहले जो आदिमानव छोटे से गुफाओं में बसते थे, उन्हें अगर टाइम मशीन से यहाँ ला पाए तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? ठीक वैसा ही रिएक्शन हमारा भी होगा अगर हम आज से 1,000 साल बाद की दुनिया में जा सके तो हमें भी शायद ऐसा ही लगेगा। आज से 1,000 साल बाद हमारी पृथ्वी और इसमें बसे लोग और लोगों का रहने का तरीका सब कुछ बदल चुका होगा और इंसानों के पास घर बनाने लायक जमीन भी नहीं बची होगी। ठीक वैसे ही जैसे लाखों साल पहले हम पानी से निकल कर आए थे, फिर से वैसे ही इंसानों को पानी में जाकर बसना होगा। और सिर्फ यही नहीं, आज जो जगह हम इंसानों के लिए रहने लायक नहीं है, जैसे कि अंटार्कटिका के बर्फीले ग्लेशियर तक में इंसान अपनी बस्ती बसा चुका होगा। आउटर स्पेस, इंटरप्लैनेटरी स्पेस में इंसान अपनी जगह बना चुका होगा। दुनिया भर के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लाइक SpaceX के मुताबिक, जैसे आज से लाखों साल पहले दुनिया से डायनासोर के स्पीशीज खत्म हो गए थे धरती से एक एस्टेरॉयड टकराने की वजह से, वैसे ही ह्यूमंस के साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी स्पीशीज भी खत्म न होने पाए, इसीलिए वो सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स में भी लाइफ की पॉसिबिलिटीज को ढूंढ रहे हैं। हालांकि हमें अंतरिक्ष में पहुंचे महज 100 साल भी नहीं हुए हैं और हमने ऑलरेडी कितना कुछ डिस्कवर कर लिया है, और आने वाले 1,000 सालों में हम एक ऐसा प्लैनेट जरूर ढूंढ लेंगे जहां हम इंसानी बस्ती को बसा पाए। दोस्तों 200 साल पहले 18 सेंचुरी तक पूरे पृथ्वी में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 30 से 40 साल तक थी, यानी कि ज्यादातर लोग ओल्ड एज आते आते बहुत सारी बीमारियों के चपेट में आकर मर जाते थे। लेकिन 21st सेंचुरी में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि आज एवरेज एज 80 साल तक की हो चुकी है। वहीं फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजी के आ जाने से आज से 1,000 साल बाद इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1,300 साल हो चुकी होगी। और इसी के साथ जितने भी पुराने स्पेशल एबिलिटीज को लेके इंसानों का जन्म होता था, जैसे कि दिखाई ना देना, हाथ पैर सही तरीके से विकसित ना हो पाना, बात ना कर पाना, सुनाई ना देना, ऐसे परेशानियों से इंसान मुक्त हो चुका होगा। एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम 21st सेंचुरी में फेस कर रहे हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों सिर्फ हमारे देश भारत में हर साल 2,00,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है सिर्फ ट्रैफिक के वजह से। सड़कें, फ्लाईओवर्स, पुल, ब्रिजेस, इतना सब कुछ बनने के बाद भी ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। लेकिन फ्यूचर में ट्रांजिट एलिवेटेड बसेस सड़क पर चला करेगी और इसमें बहुत सारे पैसेंजर्स एक साथ सफर कर पाएंगे। इसके अलावा स्काईवे या स्काईपॉड पूरी दुनिया में अपने स्काईलाइंस को फैला देंगे, जिससे 500 किलोमीटर की स्पीड में लोग इसके अंदर बैठकर सफर कर पाएंगे। साथ ही में 1,000 साल बाद लोग ज्यादातर एयर कार्स में ट्रैवल करेंगे। 1,000 साल बाद हमारी धरती में इतने ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स होंगे कि जमीन के बजाय लोग ज्यादातर आसमान में ट्रैवल करना पसंद करेंगे। और आज के मुकाबले 1,000 साल बाद गाड़ियां अपने आसपास की गाड़ियों से कम्युनिकेट करके सड़क पर चलेंगी, जिससे एक्सीडेंट का खतरा काफी कम हो जाएगा। और आज के मुकाबले 1,000 साल बाद ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम भारत से अमेरिका सिर्फ 1 घंटे में ही ट्रैवल कर पाएंगे। इसके साथ साथ कंप्यूटर्स भी अपग्रेड होके नैनो सुपर कंप्यूटर्स बन जाएगी, जिसका साइज 1 इंच जितना छोटा हो जाएगा और इनमें नैनो लिक्विड पार्टिकल्स का यूज किया जाएगा। आज दुनिया का सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, लेकिन आने वाले सालों में इससे भी ऊंचा बिल्डिंग सऊदी में बनने जा रहा है, सऊदी की रियल सिटी में, जिसका नाम है जिदा टावर, जिसकी हाइट लगभग 3,308 फीट होगी। ऐसे ही एक के बाद एक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए दुनिया में 1,000 साल बाद आज का बुर्ज खलीफा कहीं नहीं दिखेगा। अब चलिए देखते हैं कि फ्यूचर का इंसान कैसा दिखेगा। सो हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे, शिकार करके उसे कच्चा ही खा लेते थे, इसीलिए इंसानी जबड़े आज की तुलना में काफी मजबूत थे और दांत भी काफी नुकीले थे। लेकिन आग के खोज के बाद हमें खाना कम चबाना पड़ा, जिसके चलते एवोल्यूशन में हमारे जबड़े, दांत और बाइट फोर्स भी दूसरे जानवरों के कंपैरिजन में कमजोर और कम नुकीले हो गए। और आने वाले 1,000 साल में हमारे दांत इससे भी ज्यादा छोटे और कम नुकीले होने वाले हैं। इसके साथ
इंसान के दिमाग में जितना डेटा लोड पिछले हजार सालों में नहीं हुआ उससे ज्यादा आज हो रहा है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन का डेटा इंसानी दिमाग लगातार एब्जॉर्ब करता जा रहा है और धीरे धीरे हमारे दिमाग का एक हिस्सा कहा जाता है वो साइज में अगले हजार सालों में बढ़ जाएगा। इंसानी दिमाग और ज्यादा डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर पाएगा, याददाश्त तेज हो जाएगी और इसी के चलते इंसानी दिमाग साइज में भी और बड़ा हो जाएगा और इंसानी दिमाग और सुपर कंप्यूटर्स को आपस में मिला दिया जाएगा जिसका नाम होगा ट्रांसह्यूमनिज्म। और इसके बाद इंसानों में जो एबिलिटीज और सुपर पावर्स आएंगी उसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। इनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे अगर कुछ भी हम हमारी आंखों से देखेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली हमारे ब्रेन में डाउनलोड हो जाएगा। हमारे शरीर के कमजोर पार्ट्स को फैब्रिकेटेड रेप्लिकास की मदद से हम बदल सकेंगे। इससे हम मशीन और इंसान की मदद से और ज्यादा शक्तिशाली, प्रोडक्टिव और केपेबल इंसान बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो इंसानी विकास अगले हजार सालों में आने वाला है इससे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी इंसान फेस कर सकता है जिससे उन्हें खुद ही डील करना पड़ेगा, जैसे कि लोगों की आयु बढ़ने के साथ धरती ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड हो सकता है या फिर जैसे हम कंप्यूटर से मर्ज होंगे तो कोई भी साइबर अटैक हमारे बॉडी फंक्शन में हो सकता है। और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है वो अपने साथ कुछ नए चैलेंजेस भी साथ में लाती है और हम ये पिछले हजारों साल से फेस करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सो हम 110% श्योर कि जितना हमने इस वीडियो में दिखाया है इंसान इससे कई ज्यादा तरक्की कर चुका होगा। आपको इसमें क्या लगता है, हजार साल बाद इंसान कितना एडवांस्ड हो चुका होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। सब्सक्राइब टू की फैक्ट्स टीवी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।